सो आज के वीडियो में विकास दयाल का लेटेस्ट अपडेट यह है कि वो अपना ट्रिप जो है वो 22 या 23 सितंबर से शुरू कर सकते हैं। और लाइव में आज संजय सर ने एक बात बताई, मतलब एक दो चीज़ बोली है विकास दयाल के बारे में, जो कि हम लोग सुनेंगे। पहले उनका वीडियो सुन लेते हैं कि लाइव में उन्होंने क्या कहा। और संजय सर का कहना भी सही है कि अगर सामने वाला बात नहीं कर रहा है तो मैं उससे मतलब एक लिमिट तक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। दो तीन बार उन्होंने बोला कि मैंने कॉल भी करा है। सो ये वीडियो सुनिए पहले। कुछ लोग विकास सर के बारे में बात कर रहे हैं। विकास पहले मुझसे बहुत प्यार से बात करता रहा कुछ दिनों तक, फिर अपनी मर्जी से उसने बात करना बंद कर दिया। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनकी मर्जी है, वो जिससे भी बात करें जिससे भी नहीं करें। और पता है पहले और मेरा विकास का और इंटरनेशनल ट्रिप्स का भी डिस्कशन हो रहा था करने का, कि हम दोनों एक साथ करेंगे, क्योंकि उसके साथ करने के लिए आपकी जेब में मोटा पैसा भी होना चाहिए ना। देखिए इस पॉइंट पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि कोई भी यूट्यूबर होता है वो चाहता है कि मेरा कंटेंट जो हो एक्सक्लूसिव हो, यानी कोई और उसको शेयर नहीं करे। और उस समय जो संजय सर थे उनका चैनल उतना ग्रो नहीं हुआ था और विकास भी उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इनका इतना व्यूज़ आ जाएगा। आप विकास के साथ ऐसे ट्रिप नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो 5 स्टार 7 स्टार में रुकेगा, फिर आपको भी रुकना पड़ेगा। और ये ट्रिप पर जो भी झगड़ा हुआ है इन लोगों के बीच में, उस पर एक ओपिनियन ये भी बन रहा है, सारे कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा है, कि जो ट्रिप ऑर्गेनाइज़र हैं उन्होंने ये जो झगड़ा है वो प्लांट किया कि दो तीन ग्रुप को अलग करके और अपने आप में करें, क्योंकि इनका अपना भी खर्चा निकालना था। अगर शेयरिंग पर रहेंगे तो खर्चा भी कम आएगा। तो इस पर आप लोग भी अपना ओपिनियन दीजिए कमेंट्स में कि जो हो रहा है सही हो रहा है, या फिर सबको ये सब भूल के आगे ट्रिप इन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि एक दो मंथ का ट्रिप नहीं है, ट्रिप बहुत लंबा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।